नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं गोल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन और सत्यमेव जयते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन, इसके साथ साथ डे टू के प्रेडिक्शन को भी लेकर हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सत्यमेव जयते और गोल्ड स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई हैं और दोनों ही बॉलीवुड फिल्में अक्षय कुमार स्टारर गोल्ड और की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते के साथ हुई है। कमाई के मामले में खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बाजी मार ली है। ट्रेड एनालिसिस की माने तो सत्यमेव जयते ने गोल्ड से तकरीबन 10 करोड़ की कमाई कम की है, जबकि गोल्ड अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज़्यादा ओपनिंग कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई है। ट्रेड एनालिस्ट की माने और सूत्रों की माने तो गोल्ड ने पहले दिन 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। गोल्ड के जरिए अक्षय कुमार को अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। वहीं सत्यमेव जयते ने पहले दिन 18 करोड़ रुपए बटोरे। यह जॉन अब्राहम की सबसे बड़ी ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म बनकर उभरी है। पहले दिन की कमाई से साफ है कि दोनों ही फिल्मों में 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा मिला है। साथ ही दोनों फिल्मों को 5 दिन का सबसे बड़ा लंबा वीकेंड मिला है, जो इसका फायदा उनके कलेक्शन में जरूर होगा। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे दिन अक्षय कुमार की गोल्ड 15 करोड़ अर्जित करेगी और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 10 करोड़ अर्जित करेगी। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड का जो कलेक्शन हो जाएगा 42 और 43 के आसपास दो दिन में, और इसका हो जाएगा लगभग 28 CR के आसपास। तो ये दोनों मूवी की कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो इसका स्क्रीन काउंट सत्यमेव जयते का 2500 है और गोल्ड का है 3000। सत्यमेव जयते 50 करोड़ में बनी है और गोल्ड मूवी 85 CR में बनी है। तो इस तरह से कंपैरिजन हुआ है। दो दिनों का प्रेडिक्शन मैंने दे दिया। आपको क्या लगता है, गोल्ड क्या दूसरे दिन 15 करोड़ अर्जित कर पाएगी या उससे ज़्यादा, या सत्यमेव जयते जॉन की मूवी 10 करोड़ अर्जित कर पाएगी या उससे ज़्यादा, आपको क्या लगता है? तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।